बच्चों जब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अर्थात प्रबंध के सिद्धांत पे, तो सिद्धांत तो कई स्कॉलर्स ने, कई विद्वानों ने दिए हैं, लेकिन जब हम उन स्कॉलर्स की बात करते हैं तो उन स्कॉलर्स में सबसे पहला जो नाम आता है वो सबसे पहला नाम आता है हेनरी फ्योल का। सबसे पहला जो नाम आता है प्रिंसिपल्स के मामले में वह हेनरी फ्योल का नाम आता है। हेनरी फ्योल फ्रांस के रहने वाले थे और इन्होंने प्रबंध के सिद्धांत जो दिए वो सिद्धांत सबसे अच्छे माने जाते हैं, सर्वोत्कृष्ट माने जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी भी कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी के नाम से भी इनको जाना जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, और उस बुक के अंदर इन्होंने अपनी जो थ्योरी है उसको प्रकाशित किया, उसको उसमें समझाया। इन्होंने, हेनरी फ्योल ने कुल मिलाकर के चार बातों पर फोकस किया। सबसे पहली बात जो हेनरी फ्योल ने बताई वो बताई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्योल ने जो दिए वो 14 प्रिंसिपल्स दिए जो कि विश्व प्रसिद्ध है, सभी जगह माने जाते हैं। और ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो 14 जो प्रिंसिपल्स थे इनके, ये काफी फेमस हुए और अभी भी सबसे अच्छे इन्हीं को माना जाता है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, इन्होंने सेकेंड नंबर जो चीजें दी वो क्वालिटीज ऑफ मैनेजर्स, एक मैनेजर की क्वालिटीज को इंडिकेट किया कि एक मैनेजर में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, और उन क्वालिटी की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर लिखी हुई है कि 6 टाइप्स की क्वालिटीज एक मैनेजर में हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। हेनरी फ्योल ने कहा कि एक मैनेजर, एक अच्छे मैनेजर में 6 टाइप्स की क्वालिटीज होती है। नंबर 1 फिजिकल एबिलिटीज, उसमें अच्छी होनी चाहिए, शारीरिक दक्षता उसमें होनी चाहिए, शारीरिक तौर पर मजबूत होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। दूसरा है उसमें मैनेजरियल गुण होने चाहिए। मैनेजरियल गुण का मतलब क्या है, उसमें सोचने समझने की उसमें गुण होने चाहिए। तीसरा उसमें दिया बिहेवियरियल, कि हर कंडीशन से हर तरह के व्यक्ति के साथ कैसे अपने आप को एडजस्टमेंट करना है, क्योंकि एक फर्म के अंदर अलग अलग प्रकृति, अलग अलग नेचर, अलग अलग स्वभाव के व्यक्ति काम करते हैं। आगे उसने बताया जनरल नॉलेज भी उसे होनी चाहिए, सामान्य तौर पर प्रबंध संस्था में जो काम करने की जो समझ है वो उसमें होनी चाहिए। एक्सपीरियंस भी उसे उस फील्ड का होना चाहिए जिस फील्ड में वो काम कर रहा है, जिस भी पद पर सुशोभित हो रहा है, जिस भी पद पर काम कर रहा है उसे उसकी जानकारी होनी चाहिए। और टेक्निकल भी उसे आना चाहिए, क्योंकि टेक्निक्स अगर उसे नहीं आती, समय के अनुसार अगर उसे टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो भी वह पिछड़ सकता है। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति में, एक अच्छे मैनेजर में 6 क्वालिटीज की इन्फॉर्मेशन दी है हेनरी फ्योल ने, 6 गुण बताए। आगे इन्होंने, हेनरी फ्योल ने 5 एलिमेंट्स, थर्ड नंबर पे जो चीज दी है वो दी है 5 एलिमेंट्स, और 5 जो एलिमेंट्स है इनको हम POCC के नाम से भी जानते हैं, POCC के रूप में भी जानते हैं, POCCC, P फॉर प्लानिंग। जैसा कि मैं फर्स्ट चैप्टर में आपको इसके बारे में बता चुका हूं कि हेनरी फ्योल ने 5 एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं, और उनमें सबसे पहला है प्लानिंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, फिर कमांड, फिर कोऑर्डिनेशन एंड फिर कंट्रोल। तो ये 5 एलिमेंट जिनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 5 एलिमेंट्स हेनरी फ्योल के द्वारा दिए हुए। आगे बात करते हैं एक्टिविटीज की, तो हेनरी फ्योल ने 6 टाइप की एक्टिविटीज बताई है कि एक इंडस्ट्री में, एक फर्म में, एक संस्था में 6 तरह की एक्टिविटीज होती है। सबसे पहली जो है वो है टेक्निकल एक्टिविटी, वहां पर ज्यादा एप्लीकेबल होती है, वहां ज्यादा लागू होती है, जहां पर प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन एक्टिविटी में टेक्निकल एक्टिविटी इंक्लूड होती है। दूसरा है कॉमर्शियल, जो भी एक्टिविटीज है जिसमें सेल्स है, परचेज है, वो सारी एक्टिविटीज कॉमर्शियल में इंक्लूड होती है। आगे फाइनेंशियल है, फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट है, फाइनेंस संबंधी जो भी एक्टिविटीज है वो सब फाइनेंशियल एक्टिविटी में शामिल होगी। अकाउंटिंग, जो भी लेन देन, जो भी लेखा जोखा जो है वो सब अकाउंटिंग एक्टिविटी में। और सिक्योरिटी, संस्था को बनाए रखना, संस्था की जो चीजें हैं उनको बनाए रखना, सिक्योरिटी एक्टिविटीज। और लास्ट है मैनेजरियल एक्टिविटी में प्रबंध किस तरह से करना है, हमें मैनेजमेंट कैसे करना है, वो सारी एक्टिविटीज किसमें आती है, मैनेजरियल में। हम इनको आगे ब्रीफली एक बार वापस पढ़ेंगे। अभी हमने एक जनरल तौर पे जाना कि हेनरी फ्योल जो है, हेनरी फ्योल का मैनेजमेंट में क्या योगदान है, क्या कंट्रीब्यूशन क्या है मैनेजमेंट में हेनरी फ्योल का। तो हेनरी फ्योल ने
कुल मिलाकर के चार चीजें दी है। इनको बारीकी से एक एक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, फिर एबिलिटीज, क्वालिटीज एंड एक्टिविटीज, एलिमेंट्स जो भी हैं उन सब का फिर से एक बार स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे की ओर। सबसे पहले बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? अब बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हम चलते हैं सबसे पहले सिद्धांत की ओर। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब कार्य का विभाजन, कार्य का विभाजन। तो आइए समझते हैं इस सिद्धांत को, कि इस सिद्धांत के माध्यम से प्रोफेसर हेनरी फ्योल हमें क्या समझाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। सुनिए, डिवीजन ऑफ वर्क कार्य का विभाजन के सिद्धांत को विशिष्टीकरण या स्पेशलाइजेशन का सिद्धांत भी कहते हैं। स्पेशलाइजेशन या विशिष्टीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क को कार्य के विभाजन का सिद्धांत है, उसको स्पेशलाइजेशन या विशिष्टीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। इसको स्पेशलाइजेशन या विशिष्टीकरण सिद्धांत क्यों कहते हैं, क्या रीजन है? तो आइए, इसका नाम से पता लग रहा है, डिवीजन ऑफ वर्क। एक वर्क है, ठीक है, एक कोई बड़ा काम है, उस बड़े काम के छोटे छोटे टुकड़े कर दो और प्रत्येक टुकड़े को किसी स्पेशल पर्सन को जो उस काम के अंदर दक्ष हो, जो उस काम के अंदर दक्ष हो उसे वह काम सौंप दिया जाए। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कार्य का विभाजन। कार्य का विभाजन इसे, क्योंकि इसमें एक बड़े कार्य को हमने छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लिया, ठीक है, और प्रत्येक कार्य को एक स्पेशल पर्सन को हमने उसको सौंप दिया। इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? इसका प्रभाव यह पड़ेगा कि जो व्यक्ति जिस काम को करने में दक्ष है वही व्यक्ति उस स्पेशल पार्ट को कर रहा है, ठीक है, इसलिए इसे क्या बोला गया, कार्य का विभाजन। अच्छा, दूसरी बात, इससे जो एफिशिएंसी है और इफेक्टिवनेस है एक तो इससे इफेक्टिवनेस बढ़ेगी मतलब कार्य की क्षमता बढ़ेगी, ठीक है, दूसरी चीज इसमें एफिशिएंसी आएगी, इसमें एफिशिएंसी आएगी, इफेक्टिवनेस बढ़ेगी और एफिशिएंसी आएगी, दो चीजों का इफेक्ट पड़ रहा है कार्य का विभाजन होने से, ठीक है। सेकेंड प्रिंसिपल की ओर चलते हैं। सेकेंड प्रिंसिपल क्या है? सेकेंड प्रिंसिपल की ओर हम चलते हैं, तो सेकेंड हमारा जो प्रिंसिपल है वो है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अधिकार एवं उत्तरदायित्व, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। हेनरी फ्योल इस सिद्धांत के माध्यम से यह समझाना चाहते हैं कि एक व्यक्ति के पास जो कि एक संस्था में काम कर रहा है उसके पास पर्याप्त अधिकार होंगे तभी वह अपनी जिम्मेदारी को निभा पाएगा। अक्सर होता यह है कि फर्म के अंदर जिम्मेदारियां सौंपी जाती है, जिम्मेदारियां दी जाती है, लेकिन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए हमें नीड्स किसकी होती है, राइट्स की, अथॉरिटीज की हमें नीड्स होती है। अगर किसी संस्था में प्रॉपर
अथॉरिटी नहीं मिल पाती है तो वह एम्प्लॉय अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से नहीं निभा पाएगा, सत्ता का केंद्रीकरण होता जाएगा और वह जिम्मेदारी को नहीं निभा पाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं थर्ड टॉपिक की ओर। देखिए थर्ड जो प्रिंसिपल है वो है डिसिप्लिन, और थर्ड प्रिंसिपल में हेनरी फेयोल ये कहना चाहता है कि एवरी पर्सन ऑफ द फर्म ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन, लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए कि डिसिप्लिन होता क्या है। अक्सर स्कूल में बच्चों से भी कहा जाता है बच्चों डिसिप्लिन में रहा करो, समाज में व्यक्तियों से भी लोगों से भी आग्रह किया जाता है कि आप अपने डिसिप्लिन में रहा करो। डिसिप्लिन होता क्या है? देखो कहीं पर भी जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिनके साथ हमारा एग्रीमेंट होता है, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना ही डिसिप्लिन है, उनको एग्रीमेंट को निभाना ही क्या है डिसिप्लिन है। हम उनके ऑफेंडर्स न बने, हम उनको तोड़े नहीं, बस ये डिसिप्लिन है। एक स्कूल में बच्चे स्कूल आते हैं, ठीक है, तो बच्चों के लिए कहा जाता है कि बच्चों डिसिप्लिन में रहो। तो डिसिप्लिन मतलब क्या है? उनका जो भी टाइम टेबल उसको फॉलो करें, जो भी ड्रेस कोड है उसको फॉलो करें, ठीक है, जो भी रूल्स उनके अदर्स जो बने हुए हैं उनको फॉलो करें, तो वो सब क्या डिसिप्लिन है। इसी तरह से एक संस्था जो है, एक संस्था में एम्प्लॉयज जो आते हैं, एम्प्लॉयज का टाइम टेबल क्या है संस्था में आने का, उनकी ड्यूटीज क्या है, उनका ड्रेस कोड जो है वो क्या है, इसके अलावा अदर जो उनको जिम्मेदारी दी गई है टाइम पे वर्क कम्प्लीट करना है, जो भी उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उन सबको पूरा करना, तो ये सब क्या है? ये सब डिसिप्लिन है। तो डिसिप्लिन में समझ में आया रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना, हमारा जो एग्रीमेंट बना है उस एग्रीमेंट को फॉलो करना। नंबर फोर्थ जो है वो है यूनिटी ऑफ कमांड। एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता। यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता क्या है? देखिए दो सिचुएशन है, पहली सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन है इस कंडीशन में ये मैनेजर है ठीक है, और ये सबॉर्डिनेट है। यहां पर ये मैनेजर है, ये सबॉर्डिनेट है, ये सबॉर्डिनेट है, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड में कहा जाता है कि एक समय पर एक व्यक्ति को दो मैनेजर्स या दो सीनियर पर्सन है उनसे एक सिंगल टाइम पर डबल ऑर्डर नहीं मिलने चाहिए। अगर एक ही टाइम पर एक व्यक्ति को दो अलग अलग व्यक्तियों से एक साथ ऑर्डर मिलेंगे तो वह व्यक्ति असमंजस में रहेगा। मुझे किसका काम करना चाहिए, मुझे मैनेजर ए का काम करना चाहिए या मुझे मैनेजर बी का काम करना चाहिए? तो यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता, अर्थात एक समय पर एक व्यक्ति को एक ही आदेश की प्राप्ति होनी चाहिए। ये सिचुएशन सही है जबकि ये सिचुएशन गलत है। क्लियर? तो बच्चों आज हमने बात की प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और इसके 14 प्रिंसिपल्स में से 4 प्रिंसिपल्स की। आगे जो 10 प्रिंसिपल्स हैं उनको मैं लेकर हाजिर होऊंगा फिर से एक दूसरे नेक्स्ट क्लास में।
दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक समझ में आए होंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।